स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में कि भाई ईयर का क्या स्ट्रक्चर होता है और ईयर्स में कौन कौन से हमारे पार्ट आते हैं। तो देखो, ईयर का ये हमारा डायग्राम है। ईयर का डायग्राम जो है, ईयर का स्ट्रक्चर है, वो हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट्स को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली बात आती है आउटर ईयर की। तो आउटर ईयर के अंदर आते हैं हमारे पहला पार्ट जो है वो है ओरिकल। ओरिकल कहते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है, जो कि हमें बाहर से दिखता है। आउटर ईयर का जितना पार्ट होता है हमें दिखता है, ठीक है। तो ये जो ओरिकल होता है, या फिर इसको इसका दूसरा नाम पिना होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितनी भी साउंड वेव्स आ रही है, यानी कि जो भी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, उनको कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये ओरिकल पिना, इसका काम होता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। इसके बाद आउटर ईयर में दूसरा पार्ट है हमारा ईयर कैनाल। ईयर कैनाल वो ट्यूब है जिसके थ्रू साउंड वेव्स आगे चलती हुई जाके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टकराती है, ठीक है। तीसरी और लास्ट जो है आउटर ईयर में, वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। साउंड वेव्स आएंगी, कौन कलेक्ट करेगा? ओरिकल पिना कलेक्ट करेगा, ठीक है। इधर से होती हुई ईयर कैनाल से होती हुई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाके टकराएंगी साउंड वेव्स, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्टिंग हो जाती है हमारी मिडल ईयर की। मिडल ईयर के अंदर आती है हमारी तीन बोन्स, ठीक है, तीन छोटी छोटी हड्डी, ठीक है। तो जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड वेव्स आके टकराती हैं, तो ये जो अंदर की तीन बोन्स होती है वाइब्रेट करना चालू कर देती हैं, ठीक है। इसलिए इनको ईयर ओसिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईयर ओसिकल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी तीन बोन्स आती है। ये सबसे पहली वाली, इसको बोलते हैं मेलियस, इसके बाद सेकंड इनकस, और इसके बाद ये थर्ड, इसको बोलते हैं हम स्टेप्स, ठीक है। तो आपको याद करना है मेलियस, इनकस, स्टेप्स। शॉर्ट फॉर्म में ये याद कर सकते हैं आप मिस, MIS, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। इसमें जो स्टेप्स होती है वो सबसे छोटी वाली हड्डी होती है, ठीक है। तो मिडल ईयर में ये तीन हड्डियाँ आती हैं हमारी, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ठीक है। जैसे साउंड वेव आती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आकर टकराती है, ये तीनों हड्डियाँ क्या करती हैं? वाइब्रेशन करती हैं, ठीक है। वाइब्रेशन होती हुई इससे पास होगी, इससे इस पे पास होगी, फिर इस पे पास होगी, और लास्ट में आके यहाँ पे वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जिस जगह पे ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं ओवल विंडो। क्या बोलते हैं इसको? ओवल विंडो, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है हमारी इनर ईयर की, ठीक है। अब इनर ईयर के अंदर भी तीन पार्ट्स होते हैं। तो इनर ईयर के अंदर तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला जो है जिधर ओवल विंडो कनेक्टेड होती है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। इसके ऊपर की तरफ होता है हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, जिसके अंदर साउंड वेव्स क्या करती है? मूव करती रहती है। इसके आगे होता है हमारा कोक्लिया। इसके आगे क्या होता है? कोक्लिया। ये राउंड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, स्नेल का तरह का लग रहा है जो, इसको बोलते हैं कोक्लिया, ठीक है। कोक्लिया के अंदर स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जो साउंड वेव्स आगे वाइब्रेशन करती हुई यहाँ तक पहुँची, वो आगे भी जाती हैं, और आगे यहाँ पे ये जो हेयर होते हैं, यहाँ पे जो कोक्लिया में हेयर होते हैं, इन पे जाके वो टकराती हैं। जैसे ही वो हेयर पे जाके टकराती हैं, ये हेयर हमारे कनेक्टेड होते हैं किससे? हेयर हमारे कनेक्टेड होते हैं इससे, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व से हमारे हेयर्स कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही साउंड वेव आके इन हेयर से टकराएंगे, सिग्नल हमारी नर्व्स के थ्रू ब्रेन पे पहुंच जाएगा कि भाई कोई आवाज़ आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आउटर ईयर से होता हुआ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे टकरा के इन तीनों ईयर ओसिकल्स पे ट्रांसफ़र होके साउंड वेव्स आगे ट्रेवल करती हुई कोक्लिया के थ्रू जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन पे चला जाता है नर्व के थ्रू लास्ट में। तो ये थी बात हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ईयर के बारे में।